देखिए, ये गिरफ्तारी से हम लोग डरते नहीं, और ये गिरफ्तारी क्या है, या आप लोग आए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर में पहुंचाएंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, देख लीजिए, सिक्योरिटी की नौकरी ख़त्म हो गई और इनको अभी 12,000 रुपये तनख्वाह मिलता होगा, कि जो क्लास 4 एम्प्लाइज पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। सारे आप माली का, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी आप ख़त्म कर दिए यहाँ से। तो जो जन विरोधी बात है, इसको जन जन तक पहुँचाएंगे, और चुनाव आने वाला है, जो मनुवाद और पूंजीवाद की जो गठजोड़ वाली सरकार है, इसको इनको असली औकात 19 में दिखा देंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो एकदम राष्ट्रपति की बात आ जाती है, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, और शरद यादव जी और दूसरे जो राज्यसभा के सांसद एकदम ही उपराष्ट्रपति इसको संज्ञान में ला रहे हैं। तो ये मेरी बात तो आपने ही कह दी कि राज्यसभा और लोकसभा में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं इस तरह के, और अभी तो एक सहनी है, जेडीयू का अनिल सहनी है, उनके ऊपर भी मुकदमा लगा हुआ है। तो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उन सब में हड़बड़ी नहीं है, सिर्फ शरद यादव और अली अनवर में हड़बड़ी है। तो इसका इंटेंशन और आपकी जो मंशा है ना, वो मंशा हम समझते हैं। आप इस देश में पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की, महिलाओं, किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, और इससे आप समझ रहे हैं कि लोग डर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होने वाला है। सर, आगामी योजना क्या रहेगी? ये विरोध का स्वर, ये तो आज सांकेतिक रूप से हम लोग आए थे यहाँ पे देने प्रदर्शन, लेकिन आप देखते जाइए, देश के हर भाग में चलेंगे, और वहाँ पे जो जन विरोधी सरकार है, जो सांप्रदायिक जातिवादी और पूंजीवादी सरकार है, इसका भांडाफोड़ करेंगे, इसका कच्चा चिट्ठा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होगी। कितने दिन ये रोक लेंगे यहाँ पे, कितने दिन रोकेंगे? जन चेतना, जन आंदोलन से इसका निराकरण निकलने वाला है, जन आंदोलन में जाएंगे।